पंचायत समिति घड़साना की ग्राम पंचायतों में चुनाव प्रचार आज शाम को 5 बजे समाप्त हो गया। चुनाव आखिरी दौर में आ जाने पर प्रत्याशी एक दूसरे के गढ़ में सेंधमारी करने में जुट गए हैं। कस्बे में सरपंच चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के समर्थकों में अपनी अपनी जीत के दावे किए जाने लगे हैं। खैर, ये तो समय ही बताएगा कि ऊंट कौन सी करवट लेता है। सरपंच प्रत्याशियों ने आशीर्वाद यात्रा निकाली। सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने समर्थकों के साथ जनसंपर्क भी किया। आज की आशीर्वाद रैली से सरपंच प्रत्याशियों का शक्ति प्रदर्शन से स्थिति काफी हद तक साफ हो गया है, जिसमें ग्राम पंचायत 5 MLD की सरपंच प्रत्याशी विधा देवी सहारन को मतदाताओं ने भारी वोटों से जिताने का वादा किया। लगभग 300 मतों से विधा देवी सहारन की जीत होना निश्चित है। इसी ग्राम पंचायत से रेशमा बानो के समर्थकों ने भी जीत के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। दोनों प्रत्याशियों की रैली में जन सैलाब उमड़ा पड़ा है। ग्राम पंचायत 3 STR के प्रत्याशी जगसीर सिंह व कालू पैंसिया में जबरदस्त टक्कर बरकरार है। ग्राम पंचायत 24 ASC में ओम कंबोज की एक तरफा जीत तय मानी जा रही है। ग्राम पंचायत 13 MD में अन्य प्रत्याशियों से गुलजार बी ने बढ़त बना ली है। नमस्कार, मैं जगसीर सिंह, ग्राम पंचायत 3 STR से सरपंच पद प्रत्याशी। मेरा चुनाव निशान स्ट्रीट लाइट और 5 नंबर बटन आने वाली 15 तारीख को दिन रविवार को 5 नंबर बटन दिवाकर मुझे विजयी बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और शांतिपूर्ण मतदान करने में सहयोग दें। धन्यवाद। हाँ जी, कालू राम जी, आप जनसंपर्क में जुटे हुए हो, कैसा लग रहा है? सर, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को ग्राम पंचायत 3 STR जिसमें मैं सरपंच पद के लिए खड़ा हुआ हूँ, मुझे सभी जनता का भारी समर्थन मिल रहा है और सर्व समाज का अपना समर्थन मिल रहा है और लोग तन मन धन से साथ जुड़ने का वादा कर रहे हैं और मेरा भी एक ही प्रकार का घोषणा पत्र है कि मैं अपने लिए काम करने वाले प्रत्येक कार्यकर्ता और मेरे को वोट देने वालों को नीचा नहीं झुकने दूंगा। उनके लिए प्रत्येक काम के लिए मैं तैयार रहूंगा। ग्राम पंचायत 3 STR नवगठित ग्राम पंचायत है, क्या इसकी समस्याएं हैं, इसके बारे में बताइए। समस्या सबसे बड़ी जो समस्या है, पीछे पूरा घड़साना डेंगू से पीड़ित रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी यहाँ की समस्या है सफाई व्यवस्था, जिसके लिए अपने कोई बढ़िया सिस्टम बनाएंगे जिसमें पंचायत का और आम लोगों का हिस्सेदारी रहेगी और जिससे वाल्मीकि समाज को रोजगार भी मिलेगा। दूसरा, यह संपूर्ण सड़कें अभी सही ढंग से नहीं बन पाई है और जो मणि है वो बिखर चुकी है, इसलिए सड़कों का निर्माण करेंगे, नालियों का निर्माण करेंगे और पट्टा वितरण और सबसे बड़ी यहाँ जो झुकी बस्ती है उनको मकान दिलवाने का काम करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को जो मकान के बिना वंचित है उसको मकान की चाबी मैं मेरे कार्यकाल में ही हर हालात में उनको उनके हाथ में दूंगा। इसके अलावा जो भी जन कल्याणकारी योजना राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा आएगी उसको उचित पात्र व्यक्ति तक उस जो भी मतलब कार्य किया जाएगा, जो भी योजना आएगी उसको पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करूंगा। शिक्षा के बारे में आपका क्या कहना है? शिक्षा में जो भी विद्यालय से दूर जो भी बच्चे विद्यालय से अभी तक दूर हैं उनको विद्यालय तक लेके जाने की कोशिश करेंगे, जो भी उनकी समस्या है, क्योंकि मैंने प्राइवेट शिक्षक के रूप में 10 साल कार्य किया है, इसलिए मैं बच्चों की समस्या भली भांति समझता हूँ, क्योंकि जो गरीब परिवार है उनको ढंग से खाना ही नसीब नहीं होता तो वो बच्चे विद्यालय तक कैसे जाएंगे। जब तक उनको प्रॉपर सुविधा नहीं मिलेगी, जब तक उनके माता पिता को रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक वो बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि उनकी मजबूरी है उनसे बाल श्रम करवाना। तो सबसे पहले उनके माता पिता को मकान दिलवाएंगे, रोजगार दिलवाएंगे, उसके साथ ही उन बच्चों को विद्यालय के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे। धन्यवाद। चुनावों के बारे में सरपंच मैदान में उतरे हुए हैं, इसके बारे में बताइए, कुछ जानकारी दें। जानकारी के बारे में बताऊँ मैं आपको, क्षेत्र की जनता की भावना यही है कि पूर्व में हम जो सरपंच रहे हैं विद्या देवी सहारन, उनके समय में जो विकास कार्य किए हैं वो आज भी लोगों के जहन में हैं कि आपके समय में विकास कार्य किए गए हैं। इसी गांव में ये आपके सामने रहा, 50 घरों की आबादी में उप स्वास्थ्य केंद्र पूर्व सरपंच विद्या सहारन द्वारा ही
बनवाया गया था और मंजूर भी उन्हीं के प्रयासों से हुआ है। भविष्य में भी हम ऐसा करेंगे कि इस गांव के लिए विशेष रूप से हम कुछ कर पाए, स्वच्छता के लिए, शुद्ध जल के लिए। पूर्व में इसी गांव में वाटर बक्स में कचरा रहता था, हमारे 5 साल के कार्यकाल में इसी वाटर बक्स में फुलवाड़ियाँ होती थी और आज आप स्वयं देख सकते हैं इस गांव की वाटर बक्स की हालत कि उसमें गोबर कचरा लकड़ियाँ डाल रखी हैं, चार दीवारी लोगों ने तोड़ रखी है, टैंकरों से पानी उठाते हैं, उन पर कोई अंकुश नहीं है किसी प्रकार की भी। गाँव की गलियाँ भी बुरी तरह से गंदगी से भरी पड़ी हैं, इससे लोगों की भावना ये है कि आप द्वारा जो पहले कार्य किए गए थे उसी प्रकार कार्य करें ताकि पूरी पंचायत का विकास कार्य हो सके। हमारी ये इच्छा है कि हम आगे जो विकास कार्य कराएं वो अद्भुत विकास कार्य हों ताकि वो भविष्य में लंबे समय तक यादगार बनी रहे। इसी भावना के साथ लोग लड़े हैं, साथ जुड़ रहे हैं और पूर्ण रूप से संभावना है विजय श्री क्षेत्र की जनता के हिसाब से हमें मिलेगी। ग्राम पंचायत 5 MLD के लिए आप क्या अपील करना चाहते हैं? 5 MLD के विकास के लिए यही है कि सबसे पहले हम शिक्षा, स्वास्थ्य, शुद्ध जल पर अधिक ध्यान देंगे ताकि लोगों को स्वच्छ जल मिल सके, शिक्षा का स्तर सुधार सकें। हमारे स्कूलों में हमारे से पूर्व और हमारे बाद स्कूलों की ये स्थिति है कि 15 साल से किसी सरपंच ने एक ईंट भी स्कूल पर नहीं लगाई। क्या मानूं मैं इस प्रकार से कि ऐसे लोग भी सरपंच रहे हैं? क्या ये मानूं मैं कि लोग पूर्व सरपंच ये नहीं चाहते थे कि गरीबों के बच्चे पढ़ें और वो अग्रिम पंक्ति में आए? मैं तो ये मानूंगा उनकी सबसे बड़ी नियति बदनीयति रही होगी कि उन्हें स्कूलों की तरफ ध्यान नहीं दिया। हमारा पहला लक्ष्य होगा कि हमारे स्कूलों की स्थिति सुधरे, स्कूल क्रमोन्नत हों, प्राइमरी से मिडिल हो, मिडिल से सीनियर हो, सीनियर से सीनियर हायर सेकेंडरी हो। तो हम यही प्रयास करेंगे कि हमारे गाँव में गरीबों के बच्चे, पैसे वालों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, मंडी जा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र के बच्चे मंडी में ना जा करके गाँव में पढ़ें ताकि हमारे जो लड़कियां हैं, बच्चे हैं, उन्हें ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़े। कमज़ोर गरीब माँ बाप हैं, पूर्व में ज़मीन एक एक मुरब्बा लौट रही थी, आज उनके 6-6 बेटे हैं तो 4-4 बीघे ज़मीन रही है, तो वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिलवा पाएंगे। इसलिए हम प्रयास करेंगे कि वो शिक्षा जो है गाँव में ही मिले, ग्राम पंचायत स्तर पर ही मिले, यही हमारी